हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हाउस ऑफ अर्पिता में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारे स्लीव की इंस्पिरेशन पिक्चर है, हमें इसी लुक को क्रिएट करना है। तो आइए पहले पेपर पे कटिंग देख लेते हैं कि कैसे करनी है। ये नॉर्मल स्लीव की तरह ही हम कट करेंगे, बस थोड़े से डिफरेंस होंगे इसमें। सबसे पहले मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और हमारी स्लीव की जो लेंथ है हम उसे मार्क करेंगे। 10 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ और 1 इंच हमारा एज रहेगा। दोनों लाइन को हम ड्रॉ करके मिला लेंगे। उसके बाद हमारी स्लीव की आर्म होल कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे 8.5 पे मार्क किया है, आप थोड़ा और लूज़ कर सकते हो। फिर 3.5 पे हम डाउन जाएंगे, वहाँ पे मार्क करेंगे और स्लीव का शेप दे देंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप देते हैं वैसे ही इसका शेप दे देंगे। जो हमारा डिज़ाइन है उसमें हम नीचे फ्लेयर है तो हम एक्स्ट्रा लेंगे, फिटिंग का बिल्कुल नहीं लेना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको डायगोनल लाइन से हम मिला देंगे और कट कर लेंगे। लेंथ को मैंने अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लिया है, आप चाहो तो उसी मार्किंग पे कट कर सकते हो। साइड से इसको हम कट करके हटा देंगे। स्लीव के सेंटर में जो हमारा ये पार्ट है यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। स्लीव के सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे और हमारा स्लीव का पैटर्न रेडी है। जो हमने पैटर्न रेडी किया था उसे फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। क्योंकि शोल्डर पे मुझे थोड़ा पफ इफेक्ट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से प्लीट्स डाले हैं। ये स्टिचिंग के टाइम पे भी आप डाल सकते हो और अगर आपको उस टाइम प्रॉब्लम हो तो आप पहले से भी लगा सकते हो। स्लीव का सेंटर चेक कर लेंगे, वहाँ से हमें इक्वल डिस्टेंस पे प्लीट्स लगाने हैं। ब्लाउज़ के शोल्डर को रख कर उसके सीधे साइड और स्लीव के सीधे साइड को हम एक साइड रखेंगे, वो एक तरफ होना चाहिए। बीच में एक लॉक लगाएंगे, उसके बाद प्लीट्स देते हुए हम आगे स्टिचिंग करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ दो दो प्लीट्स ही डालूँगी, उसके बाद हम प्लीट्स नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी स्लीव छोटी हो जाएगी। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी करना है। दूसरे साइड भी हम इक्वल डिस्टेंस पे ही प्लीट्स लगा लेंगे और स्लीव को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके पास लाती रहूं। अब मैंने स्लीव को लगा लिया है, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में, ये बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ही छोटे छोटे फ्लफी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं शोल्डर पे। इसी तरह मैंने दूसरे साइड में भी कंप्लीट कर लिया है। स्लीव अटैच करने के बाद हम इसमें सेंटर में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए आर्म होल से मैंने 1 इंच डाउन पे मार्क किया है। ऐसी दोनों साइड मार्क करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इलास्टिक लगाकर स्टिच कर लेंगे। देखिए इलास्टिक कुछ इस तरीके से लगेगा। इलास्टिक को हमें खींच कर लगाना है। जितना आपका मेजरमेंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मेजरमेंट 9 इंचेस है, बाइसेप्स का मेजरमेंट अगर आपका 9 इंचेस है तो आप उसमें से 3 इंच माइनस करके अपने इलास्टिक को लगा सकते हो। हमारी इलास्टिक अब लग चुकी है। मैं आपको स्लीव को ओपन करके दिखाती हूँ, देखिए कितना प्रिटी लुक आया है हमारी स्लीव का। ऐसे हमें दूसरे स्लीव में भी कर लेना है और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। अब हमारा स्लीव रेडी है, आइए अब इसका फुल लुक देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या मैं ऐसी और डिज़ाइनर स्लीव्स की वीडियो लेकर आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।